बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। किसान की आत्महत्या पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और किसान के परिजन को मुआवजा देने की मांग की। बिजली विभाग द्वारा बकाया राशि वसूलने से परेशान होकर आलोट के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर किसानों को बिजली विभाग द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं मृतक किसान के परिजनों के 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बड़ा ही दुखद मामला है हमारे किसान साथी भीम के श्री वीरू सिंह जी को विद्युत मंडल की परेशानी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है जिनके द्वारा किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा और विद्युत मंडल को खुली छूट दी जा रही कि किसानों को जबरन उनकी मोटरसाइकिलें उठा के लाओ, उनकी मोटरें खींच के लाओ, और जिसके कारण आज एक सम्मानजनक हमारे साथी किसान ने मौत को गले लगाने का काम किया। इसके विरोध में हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार को नौकरी दी जाए और उनका बकाया बिल माफ किया जाए, इस मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। अगर यदि शासन प्रशासन ने अगर मांग पूरी नहीं की तो हमारे द्वारा आने वाले समय में माननीय विधायक जी मनोज जी चावला के नेतृत्व में सभी ग्रामीण क्षेत्र से किसानों के माध्यम से यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी और इतने लोग आएंगे पूरे ग्रामीण क्षेत्र से कि आलोट की सड़कें कम पड़ जाएगी। बताया जा रहा है कि किसान बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान से मानसिक रूप से प्रताड़ित था, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आलोट।